Hello guys, I'm back with another video. So the questions related to probability, today's video is based on this. So here we have a question. So the question is list the outcomes. So we have to list the outcomes. So question A जो है वो related है इस wheel से. So इस wheel में हमें कुछ alphabets दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि जब हम इस व्हील को स्पिन करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, मतलब कि क्या क्या आ सकता है वो हमें बताना है. तो देखो यहाँ पर दो बार ए है, बी सी डी है, तो ए तो आएगा ही, देन बी आएगा, सी आएगा एंड डी आएगा. अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर तो दो ए हैं, लेकिन ए तो आएगा तो एक ही बार ना, हम यू तो नहीं लिखेंगे दो बार ए आएगा, क्योंकि आउटकम तो वो है. लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होंगे, जब हम दोनों ए को इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब हमें आउटकम बताने, तो हम एक ही ए को इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज ऑन थ्रोइंग अ डाइस. जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे, क्या क्या आउटकम निकलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना, ये आउटकम्स निकलेंगे. ऑन डाइस अ प्राइम नंबर, मतलब कि जितने भी जो भी डाइस है उसमें जितने भी नंबर है उनमें से प्राइम नंबर निकलने का क्या क्या आउटकम होगा, कितने नंबर होते हैं डाइस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले जो जो नंबर एक तो खुद की टेबल में आते हैं और एक वन की टेबल में आते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं. इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, एक तो है 2, एक है 3, एक है 5. सो 2, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर. ऑन डाइस नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो हमें यहाँ पर लिख देने हैं. अब हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कॉम्पोजिट नंबर्स, हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि नॉट अ प्राइम नंबर. तो हमें नॉट अ प्राइम नंबर कौन से हैं, 1, 4 एंड 6. So hope you understand this. Now we'll move to the question of finding the probability. Okay, so now moving to the next part. So the find the probability. मैंने अब हमें probability find करनी है on dice a prime number. सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जितने भी outcomes होते हैं उस event के अंदर वो हमें लिख लेने हैं. So outcomes in a dice are as follows: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total number of outcomes are 6. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है. हमें लिखना होता है पी, देन ब्रैकेट में हमें लिखना होता है ई, देन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला, हैपनिंग ऑफ द इवेंट. हैपनिंग ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. तो यहाँ पर हैपनिंग ऑफ द इवेंट मतलब कि जो वो इवेंट है वो कितनी बार हो रहा है. यहाँ पर प्राइम नंबर कितनी बार आ सकता है, एक तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, मतलब जो प्राइम नंबर है वो 3 बार आ सकता है. हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या है, 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 6. ये हमारा आंसर है. देन यू कैन सिंप्लीफाई, 1/2 इज आवर फाइनल आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब ये ऐसा नंबर जो ग्रेटर है 5 से. तो 5 से, ये तो 5 है, 5 से ग्रेटर नंबर क्या है, 6 है, मतलब कि एक नंबर है. तो मतलब कि जो वो हैपनिंग ऑफ इवेंट कितनी है, एक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं, 6 है. दिस वॉज द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. अब इसमें कुछ बातें हम ध्यान रख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने होते हैं. जो फॉर्मूला है उसे हम एक शॉर्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज रिटन एज एच एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज रिटन एज एन. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म. देन यू हैव टू राइट ऑल थिंग्स वेरी क्लियरली in the questions. This was all about the video, about the probability and the questions related to it. And if you want to see what is probability, I'll put the link in the description box below. You can go and watch it out. And till that, take care, bye 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 bye. If you have any doubts, please write it in the comment section below. Till that, bye bye.